2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। जेपी नड्डा की नई टीम में अब 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जबकि 8 राष्ट्रीय महामंत्री शामिल हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी इसमें है, वो जेपी नड्डा की टीम में हिस्सा बनी है। तो वहीं रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला है जबकि अरुण सिंह और कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। तो जेपी नड्डा की टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जबकि 8 राष्ट्रीय महामंत्री। हिमांशु मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, क्या खबर मिल रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है जेपी नड्डा की नई टीम के बारे में? देखिए, जेपी नड्डा ने जो अपनी नई टीम बनाई है उसने 3 उपाध्यक्षों को हटाया है। दिलीप सेकिया जो पश्चिम बंगाल से आते थे, भारती बेन सायाल जो गुजरात से थी उनको हटाया, राधामोहन सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी थे और बिहार से सांसद है, पूर्व में कृषि मंत्री है, उनको उपाध्यक्ष के पद से हटाया है। उनकी जगह लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो राज्यसभा में चीफ व्हिप है उत्तर प्रदेश से हैं, और तारिक मसूद उनको बनाया है उपाध्यक्ष जो विधान परिषद के सदस्य है उत्तर प्रदेश से, और उषा लता उसेडी जो छत्तीसगढ़ से आती हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया है। 2 नए महासचिव बनाए हैं, संजय बंडी जिनको अभी प्रदेश अध्यक्ष से हटाया था तेलंगाना के, उनको, और राधा मोहन अग्रवाल गोरखपुर से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पहले 4 बार विधायक रहे हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। 3 राष्ट्रीय सचिव हटाए गए, हरीश द्विवेदी, विनोद सोनकर और सुनील देवधर, उनकी जगह सुरेंद्र नागर जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और एक बड़ा चेहरा है गुजर समाज का, उनको जगह दी गई है। तो तमाम इस तरीके के जो है चेंजेस किए गए हैं। आसाम से कामाख्या प्रसाद ताला उनको जो है राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। ये चेंजेस करके संदेश दिया गया है कि 2024 के लिए बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, और जिन लोगों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी उनको हटाया भी गया है। राष्ट्रीय महासचिव में कैलाश विजयवर्गीय के साथ अरुण सिंह, तरुण चुग, सुनील बंसल इनको बरकरार रखा गया है। इनकी जिम्मेदारी पहले भी राष्ट्रीय महासचिव की थी और अभी भी है। सरोज पांडे को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है, वो उपाध्यक्ष नहीं थी इससे पहले, उनको भी नई जिम्मेदारी दी गई। तो इस तरीके का तमाम चेंजेस जो है संगठनात्मक तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा ने किए हैं, अपने नई टीम की घोषणा की है। कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरों को लाया गया है, और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उनको हटाया गया। हिमांशु, लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होना है और उसमें कई और राज्य भी हैं, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़, लेकिन अभी राजस्थान से अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया को उपाध्यक्ष पद पर लेकर आया गया है, तो इसके क्या भी मायने हैं, क्योंकि चुनाव भी हाल फिलहाल? देखिए, वसुंधरा राजे जो है वो उपाध्यक्ष है, पहले से ही थी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, उनके पास जिम्मेदारी थी। रमन सिंह भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। जिन 3 मुख्यमंत्रियों को 2018 में जब 3 मुख्यमंत्री हारे थे तो उनको नई जिम्मेदारी जो दी गई थी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की दी गई थी, उसमें शिवराज सिंह चौहान भी थे, और जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी से हटाया गया था। लेकिन 2 पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और वसुंधरा राजे उनको जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी पहले से दी गई है, इसमें कोई नया बदलाव नहीं है, उनको कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और अभी भी उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की ही जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र पर पार्टी की पूरी नजर है और पंकजा मुंडे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि बीच बीच में खबरें आती रहती है कि वो नाराज चल रही है पार्टी से? देखिए, बिल्कुल, पंकजा मुंडा को लेकर बीच बीच में बड़ी खबरें आती रहती हैं कि वो पार्टी से नाराज है, वहाँ के प्रदेश नेतृत्व से नाराज है, लेकिन पंकजा मुंडे पार्टी की पहले भी राष्ट्रीय सचिव थी और अभी भी उनको सचिव बरकरार रखा गया है, यानी कि सचिव की जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी वो अभी भी जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहेगी।